हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस। हियर वी आर आस्क्ड द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। तो आपसे यहां पर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन को पूछा गया है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। अर्थात रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, मींस एक सर्कुलर पाथ पर हमेशा घूमते रहते हैं। बट इट वाज फाउंड दैट इट इज नॉट स्टेबल, क्योंकि अगर वो चारों तरफ घूमते रहेंगे एक पाथ में, तो बिकॉज ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन, मतलब घूमने के दौरान, इट विल एक्सपीरियंस एक्सीलरेशन, मतलब उन पर एक सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन लगेगा जो कि उनको न्यूक्लियस की तरफ धकेलेगा, और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काफी फॉल करेंगे वहां पर, और काफी हाईली अनस्टेबल होंगे।